हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन एक क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, थर्ड सेमेस्टर का ये चैप्टर है जिसमें आपकी बुक है, प्रथम प्रश्न पत्र है जो 2017 का तृतीय सेमेस्टर का पेपर है, इसके बारे में बात करने वाले। जैसा कि आप लोग लोगों में देख चुके होंगे कि इन वन वीडियो आई हैव कम्प्लीटेड योर टोटल सब्जेक्ट जो शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध का चैप्टर है या आपका जो सिलेबस है, इसको मैं पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इस चीज़ में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चीज अगली स्लाइड पे। देखो मैं समझाऊंगा कैसे, जैसे जैसे एक एक शब्द जो ऑप्शन में मिलेगा ना, आप थोड़ी देर वीडियो को देखिए कंटिन्यू, आपको खुद आइडिया रहेगा मैं कैसे समझाने वाला हूं। अब देखो कुछ स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली, उनको तो आप कैसे याद करोगे, इसका हमारे पास आप कह सकते हो कि आप जब कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ोगे तो ज़्यादा आइडिया रहेगा। तो इसलिए जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको याद कर लेना, बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टेटमेंट वाले जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके बारे में मैं बता दूं आपको, तो दिया गया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, मतलब पढ़ाने के बाद जो शिक्षक होता है वो कक्ष में करता है, उसे हम कहते हैं। वो कथन किसने कहा था, तो वो रॉस के अनुसार कथन था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला दिया गया है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ से एक एक शब्दों को समझाते चलूंगा। जैसे आपको एक शब्द मिला है व्यापक मूल्यांकन, तो इसके बारे में आपको समझा दूं। व्यापक मूल्यांकन इन द सेंस की कॉम्प्रिहेंशन इवेल्यूशन जिसे बोलते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब व्यापक। अब देखो व्यापक का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। आप इसके पहले वाले सेमेस्टर्स में जो भी चीज़ें पढ़े हो, पहले में साइकोलॉजी पढ़ी, मतलब बच्चे का दिमाग कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने शिक्षा का इतिहास पढ़ा कि शिक्षा क्यों चलाई गई है, क्यों चल रही है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरे में हमें पढ़ना है कि हम से केवल बच्चे को पढ़ा के छोड़ दें ये पूरा नहीं होता, हमें उस बच्चे के हर एक पक्ष का मूल्यांकन करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चा घर पे जा रहा है तो किस माहौल में है, बच्चा अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो अपने उसके दोस्त किस माहौल में है, उसके दोस्तों का माहौल क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली एजुकेशनल डेवलपमेंट माई डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जब आपको व्यापक मूल्यांकन लिखने के लिए आ जाए कि व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा अपनी भाषा में कि जब बच्चे के प्रत्येक पक्ष का, अब पक्ष का आया शब्द तो पक्ष में आता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, भाव संवेगात्मक पक्ष, जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारे पक्षों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं। मतलब एक ब्रॉड लेवल पे, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे मूल्यांकन जब किया जाता है उसे हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब उसमें पूछा गया है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किसका मूल्यांकन किया जाता है, तो देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति के सभी पक्षों का, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। मैंने सब कुछ बताया आपको, व्यापक मतलब ही होता है बहुत बड़ा लेवल। व्यापक मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब बच्चा आपके स्कूल में है तो संज्ञानात्मक पक्ष का तो आप मूल्यांकन कर रहे हो, जब वो खेल रहा है घर पे चला गया तब भी आपको मूल्यांकन करना है। अभिभावकों को देखो, मीटिंग ली जाती है अभिभावक की, मातृ शिक्षक संघ, इस तरह की चीज़ों के बारे में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे। और फोर्थ सेमेस्टर का वीडियोज मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से कंटिन्यू आपके फोर्थ सेमेस्टर की सारी एजुकेशन की बुक पढ़ाई जाएगी, जो अगले 30 दिन में 1 अप्रैल के बाद 5 मई के अंदर अंदर मैं वो पूरी दोनों बुक आपकी फिनिश करने वाला हूँ। सो बी कंटिन्यू ऑन चैनल, बी प्रॉपर। आप 1 महीने के अंदर, जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके में अंदर अंदर आप पूरी एजुकेशन की बुक खत्म कर लोगे, फिर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना रहेगा फोर्थ सेमेस्टर की और इंग्लिश पढ़नी रहेगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किसका किया जाता है, व्यक्ति के सभी पक्षों का। देखो ये भी पक्ष इसमें आते हैं, केवल संपत्ति का, ये गलत दिया है ऑप्शन, संपत्ति का हम मूल्यांकन ही नहीं करते हैं, उसके नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं और उसके, अब देखो नैतिक मूल्य क्या होते हैं जरा सा समझना। तो कोहलबर्ग की एक थियरी है, ठीक है, कोहलबर्ग की एक थियरी है, तो उसमें क्या होता है नैतिक मूल्यों, यानी मोरल डेवलपमेंट के बारे में उसमें बात की गई है, ठीक है। वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, जैसे आप लोग घर पे देखे होंगे कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, जो कुछ बच्चे कई स्टेज में उनका नैतिक विकास होता है, वो किस तरह से हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में नैतिकता किस तरह से डेवलप हो रही है, उसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं। शांति शिक्षा क्या होती है, देखो इसके बारे में ये चैप्टर आपका एक बुक है जो फोर्थ सेमेस्टर में एक शांति शिक्षा की बुक आएगी, वो पूरी की पूरी बुक है। तो शांति शिक्षा के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। शांति शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे सपोज करो कि आप
पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, जैसे आपने नाम सुना होगा नोवेल प्राइज का, ठीक है, तो जो अल्फ्रेड नोवेल थे उन्होंने ये कह सकते हो कि डायनामाइट की तरह एक बम बना दिया जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम दुनिया को ख़त्म करने के लिए नहीं, हम ऐसी चीज़ों को लिए नोवेल प्राइज़ दिया जाएगा जो देश की या विश्व की शांति में काम करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी शिक्षा ऐसी ना हो या आप बच्चों को ऐसे ना पढ़ा दो कि आगे चल के बच्चों के लिए वो शांति शिक्षा रह ही ना जाए, वो चीज़ें क्या हो जाएं कि पता चले वो क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगे, इतना ज़्यादा साइंटिस्ट बन जाएं या इतना ज़्यादा पढ़ लें या इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाए कि वो अपने आप में घमंड करने लगे, तो वहाँ से शांति शिक्षा ख़त्म हो जाती है। मतलब ओवरऑल हमें बच्चे को एक इंसान बनाना है, उसके लिए शांति शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप उस बुक में पढ़ोगे यही सारी उसकी थीम है, यही सब चीज़ें उसमें पढ़नी है। अगला हम बात करते हैं मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित होता है। तो देखो तीन तरह के पक्ष जो होते हैं मूल्यांकन के, चूंकि संज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, आप नोट डाउन किया करो, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं आई हैव कंप्लीटेड इन वन वीडियो, ठीक है। तो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो संबंधित होता है। देखो संज्ञानात्मक पक्ष बोलने ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होता है, जो कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें छह चरण होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। पहले चरण को ज्ञान कहा जाता है, याद रखना। दूसरे को कहा जाता है बोध। तीसरे को ज्ञान मतलब नॉलेज, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग। फिर होता है अनुप्रयोग, ठीक है। फिर ये होता है विश्लेषण और ये होता है संश्लेषण, और इसे कहते हैं मूल्यांकन। तो इतनी चीज़ें आती हैं आपके संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत और इसे हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। और यही प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को जब आपको सिखाया जाता है। ध्यान से समझना, जब आपको टीचर पहला चैप्टर पहले दिन आके क्लास में पढ़ा रहा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, बिकॉज नाउ अब जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति बनी है दोस्तों ना, वो आपको कनेक्ट कराएंगे कहाँ से कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एवरी सब्जेक्ट का। मतलब हर सब्जेक्ट का आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। समझ ला ध्यान से, जब आपको क्लास में टीचर पहली बार किसी चीज़ को पढ़ाता है तो वो आपको ज्ञान देता है उसकी चीज़ के बारे में। अब जब आपको खुद उसके बारे में जब प्रयोग करने के लिए उसी क्लास में कहा जाता है, जैसे क्लास वर्क का नाम सुने होगे और एक होमवर्क का नाम सुने होगे, तब ध्यान से समझना मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। तो जब आपको क्लास वर्क दिया जाता है तो आप बोध कर रहे होते हो। देखो ज्ञान लेने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान लेने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। फिर उसका जब बोध करते हो आप, जैसे मान लो आपको दो धन दो बचपन में जब सिखाया गया था, या कह सकते हो कि ABCD पढ़ाने के लिए पूरे एक साल का LKG UKG पढ़ाया जाता है सिर्फ ABCD पढ़ने के लिए। लेकिन क्या अभी ABCD पढ़ने के लिए एक साल पढ़ोगे? नहीं, एक दिन भी नहीं लगेगा, आप ख़त्म कर दोगे। तो वो अस्तर में बता रहा हूँ कैसे कैसे आपका वो टाइम टेबल कम हो जाता है। तो हमने ABCD सीखा था पूरे एक साल में, हमने बोध भी किया था उससे थोड़ा सा कम समय में लगा था, जब हमने ज्ञान लिया उससे कम समय। अब क्लास में टीचर बताया 40 मिनट तक, हमने उसको 30 मिनट 20 मिनट में बोध किया, हमको प्रॉब्लम दी गई हमने उसको लिख के दिखाया, ठीक है। घर पे हमें काम दिया गया यानी होमवर्क, जिसका मतलब होता है अनुप्रयोग करना। याद रखना ये सब नोट्स डाल के लिखते रहो उसके बगल में, जैसे ज्ञान के बगल में आप लिख लिए समय ज़्यादा लगता है, बोध में ज्ञान से कम समय लगता है। अनुप्रयोग का मतलब होता है होमवर्क, बोध का मतलब होता है क्लास वर्क, इस तरह से आप समझ सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद दिया गया विश्लेषण करना, क्या होता है कि जब इस किसी चीज़ का विश्लेषण करते हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं पेपर आपको समझा रहा हूँ, तो मैं पेपर जब समझा रहा हूँ, अब जब क्लास वर्क कर लेते हो, होमवर्क कर लेते हो, और जब आपका पेपर आने वाला होता है उस समय जब हम सॉल्व आप पढ़ते हो, तो आप विश्लेषण कर रहे होते हो, जो ज्ञान बोध और अनुप्रयोग आप किए हो उसका विश्लेषण कर रहे होते हो। तो हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं, लास्ट में हम सबका कंक्लूजन यानी संश्लेषण करेंगे, सबको बटोर लेंगे एक जगह बटोर लेंगे। और सोचो हमारी कापी चेक करने में सबसे कम समय लगता है, या आपको अगर कक्षा दो के बच्चों की कापी दे दी जाए चेक करने के लिए, तो बच्चा तो 2 घंटे में लिखता होगा, लेकिन आप उसको 2 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में कापी चेक करके रख देते होगे। और ये क्यों रख देते हो दो के बच्चे की कापी को, क्योंकि आपको दो के बच्चे का ज्ञान भी है, आपको बोध भी है, अनुप्रयोग भी है, विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है, इतनी सारी चीज़ें कक्षा दो के स्तर की आपको आती हैं, इसलिए आप मूल्यांकन में सबसे कम समय लगाते हो। सो गाइज, किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए या परफेक्ट रूप से सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, किसी भी चीज़ को गाइडलाइन में या अपने अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। समझ में आई बात? तो संज्ञानात्मक पक्ष में 6 चरण होते हैं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग का यूज बोलते हैं उसको, उसके बाद एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन बोलते हैं। ये छह स्टेप होते हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला हमारा दिया गया है, हाँ सवाल पूछा गया है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो भैया ज्ञान से भी है, बोध से भी, अनुप्रयोग से भी है और उपयुक्त सभी से है। अगला हमारे देखते हैं हम सतत मूल्यांकन। देखो अभी हमने आपको बताया था व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, एक ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है। अब सतत मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन इन द सेंस जैसे मान लो कि बच्चे की छुट्टी हो जाती होगी, विंटर वैकेशन होता होगा, समर वैकेशन होता होगा, तो जब वो वैकेशंस हो जाते हैं तब आप क्या करते हो, देखो उस समय भी अगर आपके घर में कोई बच्चे होंगे तो आप एनालिसिस करना, तो उसमें क्या किया जाता है कि टीचर्स जो होते हैं वर्क देते हैं उस समय भी वर्क देते हैं उस बच्चे को करने के लिए, बिकॉज यही होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इवेल्यूएशन, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्यूएशन मतलब लगातार आप उस बच्चे का इवेल्यूएशन करते जा रहे हो, इसलिए उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इवेल्यूएशन। सो आपको गाइज ये ध्यान देना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक दूसरे के साथ चलते हैं, तभी हम किसी बच्चे का संपूर्ण विकास के मूल्यांकन को कर सकते हैं। और किसी भी चीज के मूल्यांकन को करने के लिए मैंने बताया संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड कि आपको 5 चरणों का ज्ञान बहुत जरूरी है, तभी आप किसी चीज का मूल्यांकन कर सकते हो। पता चले आपको खुद नहीं पता है अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा, किसी सब्जेक्ट का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाएगा, और आप बच्चे का मूल्यांकन करने चल दिए हो, तो आप नहीं कर सकते हो या आप गलत करोगे मूल्यांकन, ठीक है। इसलिए मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है मैं बताता हूं। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन ये गलत है, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन ये गलत है। हाँ ये जैसे इस अंत में भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया छुट्टी हो जाएगी तब भी आप करोगे, मध्य में तो कर ही रहे हो। नित्य प्रतिक्रिया द्वारा किया गया मूल्यांकन भी सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है और उपयुक्त सभी, मतलब देखो एक सीधी सीधी भाषा बताऊं कि आप उस बच्चे को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ोगे, बस सीधी भाषा में समझो, मतलब जब सत्र चल रहा है तब भी पढ़ाओगे, सत्र खत्म हो गया तब भी उसका मूल्यांकन कर रहे हो, सत्र मिड में चल रहा है तब भी आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो, रोज वो आ रहा है टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, जा रहा है गुड इवनिंग या गुड डे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ों को आपका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें भी आपको एकदम क्लियर सा सीधे सीधा सा आंसर इसका पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट से दो एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस जो आप सब लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया पीएनपी सबको 50 में 50 नहीं देना चाहती है, सो दैट्स वाई हम आगे देखते हैं। और 5वां हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 5वां हमारा क्वेश्चन दिया गया यह कथन मूल्यांकन, देखो ये चीज़ें क्या हैं कि जब अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, अब आप मान लो स्टेटमेंट आपको नहीं याद है तो कम से कम यहाँ से जुगाड़ लगाया करो कि जो चीज़ें आपको बहुविकल्पी में दी गई हों वहीं से तू उठा के रख सकते हो। देखो मूल्यांकन किसे कहते हैं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, भले ही आप उनका नाम मत आगे लिखना, आप डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कथन किसका है, तो ये ग्रीन का कथन है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बट मैं इस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगा, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको मैं आपको कर सकते हो आपकी मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, उसको आप देख सकते हो। आगे दिया गया है, विज्ञान भूगोल एवं कृषि विषय होते हैं किस चीज़ से संबंधित होते हैं, विज्ञान भूगोल और कृषि विषय जो होते हैं वो कैसे संबंधित होते हैं, तो केवल सैद्धांतिक विषय तो होते नहीं हैं, केवल सैद्धांतिक विषय नहीं होते हैं, क्योंकि भूगोल प्रैक्टिकल है, विज्ञान भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक हम कह सकते हैं, केवल मौखिक वाले होते हैं गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी गलत है, तो हमारा एक ही आंसर सही होगा, वो क्या सही होगा, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं, इसमें आपको हमें समझाना नहीं है ज़्यादा। आगे हम देखते हैं भावात्मक पक्ष कहलाता है, तो भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है, तो अब ध्यान से समझना, भावात्मक पक्ष कहलाता है आपका, ऑप्शन दिया गया है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, मूल्यांकन का पक्ष, तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष हो गया। दूसरा दिया गया है हमें, दूसरा हमारा दिया गया है बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, तीसरा दिया गया है
तीसरा दिया गया बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। देखो भावात्मक पक्ष में ये सबका सब आएगा, आपके रुचियों से भी संबंधित होने, भाव भाव मतलब आपका आपके मन में जो बात होती है उससे रिलेट करता है, रुचि भी होगी उसमें, संवेग भी होगा, मनोवृत्ति भी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान लो कि अगर आपसे पूछे भावात्मक पक्ष के चरण क्या हैं, तो ये जो रुचि संवेग और मनोवृत्ति लिखी गई हैं ये सब उसके चरण के अंतर्गत आएंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि ब्लूप्रिंट, ध्यान से समझना। ब्लूप्रिंट की मैं कहानी बताता हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन पेपर जो तैयार होता है वो ऐसे नहीं तैयार होता है कि कोई, कभी सोचे हो कि कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कौन करता है और क्या वो एक ही इंसान तैयार करता है? नहीं। जिस तरह से आपका एक शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का चैप्टर है, इसमें सक्रियात्मक शोध और नवाचार है, ये चार टॉपिक हैं। आपको पढ़ाने के लिए तो एक ही टीचर पढ़ाता होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स जो पेपर तैयार होता है उसमें एक एक टॉपिक के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो नवाचार वाले लोग अपना पूरा क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बना के देंगे, उसमें से छांट के एक दो क्वेश्चन लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्रियात्मक शोध वाले 10-15 क्वेश्चन बना के देंगे, उसमें से छांट के कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे। फिर उसके बाद शैक्षिक मापन वाले कुछ बना के देंगे, शैक्षिक मूल्यांकन वाले कुछ बना के देंगे। तो जब ये लोग बनाते हैं, जब ये लोग बना रहे हैं, नवाचार वाले अपना बना रहे हैं, फिर मापन वाले अपना बना रहे हैं या मूल्यांकन वाले अपना बना रहे हैं, तो इस तरह से जब ये लोग बनाते हैं तो इन्हीं के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, तो ये किससे है, तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से है। याद रखो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से है। एक शब्द आया है आपका उपचारात्मक शिक्षण, तो क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ये होता है रिमीडियल टीचिंग। मतलब अब देखो उपचार का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बीमारी अगर आपके पास हो जाए, दो तरह के शिक्षण होते हैं, एक निदानात्मक शिक्षण, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो उपचार करने के पहले आप उसका निदान ढूंढोगे। जैसे सपोज दैट आपके पैर में चोट लग गई, ठीक है, तो आप हृदय के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे दिखाने, समझ में आई बात? तो क्यों? क्योंकि आपने पहले, आपका पहला स्तर है निदान ढूंढना। आप कहाँ जाओगे? हड्डी के पास, डॉक्टर के पास। अगर आपको हड्डी में चोट लगी हो या किसी के भी पैर में चोट लगी हो अगर, तो वो किसके पास जाएगा? तो वो हड्डी के पास जाएगा। तो ये होता है निदान वाला ढूंढना। अब वो जब उसके पास जाएगा तो वो डॉक्टर उसका क्या करेगा? उपचार करेगा। तो दैट इज द पॉइंट। और लेकिन जब शिक्षा में आप बात करते हो तो ये दोनों पक्ष शिक्षक को करना होता है। जैसे बच्चे को किस जगह समस्या आ रही है ये पता लगाकर उसका निदान करने के बाद उपचार करा जाता है। ध्यान से समझना, बच्चे को किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है। जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का जब आप पूरा मूल्यांकन करते हो तो पता चलता है इसका ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसका ये सब्जेक्ट कमजोर है, तो जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको उस टीचर को सौंप दिया जाता है कि प्लीज़ इस सब्जेक्ट को उसके अच्छे करो। तो वो क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर एक डॉक्टर के पास जाता है, या इन द सेंस कह सकते हो कि वो सब्जेक्ट के डॉक्टर के पास जाता है और उसको सही करता है, ठीक है। तो इस तरह से एक निदानात्मक शिक्षण होता है और उपचारात्मक, जिसको इंग्लिश में रिमीडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नवाचार क्या होता है। इनोवेशन को हम नवाचार बोलते हैं, किसी भी चीज़ में नए विचार को देना या नए विचार को रखना होता है नवाचार। जैसे आपका सपोज दैट आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, आपको सम संख्याएं पढ़ानी है। ध्यान से समझना, आपको सम संख्याएं पढ़ानी है। आप कैसे पढ़ाओगे? दुनिया पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है कि जो संख्याएं दो से कट जाए वो सारी सम संख्याएं हैं ना। बट क्या करो कि आप कुछ गोलियां ले लो जिसपे एक लिख दो, दो लिख दो, तीन लिख दो, चार लिख दो, पाँच लिख दो। सम संख्याएं पढ़ाने के पहले उस बच्चे को ये पता होगा ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं। उस बच्चे से बोलो एक पहली गोली छोड़ के दूसरी निकाल लो, फिर उसके बाद एक छोड़ के फिर निकाल लो, फिर उसके बाद एक छोड़ के एक निकाल लो। अब देखो वो निकाला क्या, दो निकाला, चार निकाला, छः निकाला, एंड ये जो प्रोसेस आपने की यही। अब आप उससे बोलो ये जो चीज़ें तुमने निकाली ये सम संख्याएं हैं। देखो ये होता है, किसी चीज़ को एक्टिव लर्निंग के थ्रू कैसे सिखाओगे आप, प्रॉपरली कैसे सिखाओगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम नवाचार बोलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में क्या इनोवेशन आप कर ले रहे हो उसे हम बोलते हैं नवाचार। जैसे आप दुनिया में देखे होगे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग इतिहास किताबों से पढ़ते थे, बट माई डियर फ्रेंड इतिहास अगर हमें उस नक्शे से पढ़ाया जाए, उस भारत के नक्शे से पढ़ाया जाए, ठीक है, जैसे उस नक्शे से पढ़ाया जाए तो शायद हमें इतिहास और अच्छे से समझ में आएगा कि भारत का इतिहास। जैसे मान लो अगर हम बात करें दक्षिण भारत में केरल की, कर्नाटक की, तो जब भी बात करेंगे उस जगह को जो हम दिखाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि यार ये जगह तो हम यूपी में हैं बेटा, हम यहाँ हैं और केरल यहाँ था, यहाँ की वो घटना हम पढ़ रहे हैं। देन ही कैन कनेक्ट, या ही और सी कैन कनेक्ट,
ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को इनोवेशन बोला जाता है, जिसमें आप नवाचार उत्पन्न करते हो। हम अब अगले स्लाइड में देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन अगला दिया गया है, उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता होती है। ध्यान से समझना, उत्तम परीक्षण बड़ा बेस्ट तरीका मैं बताने वाला। उत्तम परीक्षण इन द सेंस होता है कि ये परीक्षण जो होता है, परीक्षण क्या होता है पहले ये चीज़ समझो। परीक्षण मतलब होता है शोध करना, ठीक है, या परीक्षण मतलब होता है किसी चीज़ पे परीक्षण करना। तो ये क्या होता है कि जब ये उत्तम परीक्षण आप कर लेते हो तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैलिडिटी होती है, मतलब बेस्ट होना चाहिए आपका परीक्षण। और उसको करने के लिए देखो, उत्तम परीक्षण करने के लिए आपको हर उत्तम चीज़ की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो समस्या किस हद तक है, ध्यान से सुनना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कोरोना है, ठीक है, इसके वैक्सीन का लोग परीक्षण कर रहे हैं लैबों में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें समस्या का जड़ पता होनी चाहिए। तो उसकी जड़ पता है, लेकिन वैक्सीन बनी होगी लेकिन वो उत्तम नहीं बनी होगी, इसलिए उसे उत्तम परीक्षण नहीं कहा गया होगा। बिकॉज ऑफ दैट, समस्या की जड़ तो हमें पता है, समस्या का निदान कहाँ से होगा ये भी पता है, उपचार उसका पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो परीक्षण उत्तम परीक्षण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उत्तम परीक्षण, अगर कोई परीक्षण उत्तम परीक्षण हो जाता है या वैक्सीन उसकी बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उस तरह के किसी भी वायरस को वो ख़त्म कर सकता है। सो दैट्स वाई उसे उत्तम परीक्षण बोलते हैं। अब उसकी विशेषता क्या होती है, देखो उत्तम परीक्षण क्या होती है, उसमें वैधता मानी जाती है, उसकी विश्वसनीयता बहुत जगह होती है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता होती है। अब वस्तुनिष्ठता का मैं आपको मतलब बताता हूँ। वैधता मतलब आपको वैलिडिटी होती है, विश्वसनीयता मतलब जो आप विश्वास करते हो उसके ऊपर होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, जरा समझना, कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि यू हैव ओनली ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसमें ऑप्शन नहीं डाल सकते हो। समझ में आ रही बात, आपके पास ऑप्शन होता है एंड यू हैव टू चूज दैट, चूज Among of these, ठीक है। तो आपको उनमें से एक चूज करना होता है, मतलब क्या कि जो बीमारी होगी उसके वो एग्जैक्ट दवा को आपके पास ऑप्शन के रूप में रख देंगे, और उसी में से आपको क्या करना होता है, चूज करना होता है। सो इसलिए वस्तुनिष्ठता रखी जाती है, मतलब ये नहीं कि हर दवा के लिए वो काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दवा में उस वैक्सीन को घुसोड़ दोगे वो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए वो ऑप्शन ही रहेगा कि अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं या इतनी प्रॉब्लम है तो वो काम करेगी बस इसी तरह से, ठीक है। अब जैसे समझो शिक्षा में कैसे कनेक्ट कराएंगे इस चीज़ को, तो बच्चे को जब आप मैथमेटिक की प्रॉब्लम आप सॉल्व करा रहे हो तो उसका उत्तम परीक्षण करोगे। मतलब अब ऐसे कुछ ऐसे सूत्र या कुछ ऐसे नवाचार आप इनोवेशन उस बच्चे के अंदर लाओगे जो उसको काम तो करेंगे लेकिन वो मैथमेटिक के ही फील्ड में। जैसे अभी मैंने बताया आप गोलियां निकाल के ऐसे पढ़ा दो तो ये किस फील्ड में काम करेगा, मैथमेटिक में। ये हिंदी में पढ़ाने जाओगे कैसे काम करेगा, नहीं काम करेगा ना। सो इसीलिए बोलते हैं कि वस्तुनिष्ठता होती है, मतलब उसका ऑप्शन फिक्स होते हैं, आपको चूज करना होता है उन ऑप्शन में से हमें क्या ये किस जैसे एक दवा होती है एंटीबायोटिक वाली होती है ना, तो हर जगह वो काम नहीं करती है, या कह सकते हो कि मैक्सिमम जगह काम करती लेकिन हर जगह काम नहीं करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो सिर दर्द कर रहा है तो आपको सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आपको सिर दर्द की दवा लेने के बजाय आप कह रहे हो कि सर हम दवा लेते आए अपने बुखार की, तो बुखार सही होगा कि सिर दर्द सही होगा, बुखार सही होगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से चीजों को समझना पड़ता है। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या किया जाता है, देखो रचनात्मक मूल्यांकन क्या मतलब होता है, एक रचना करके या कह सकते हो कि किसी चीज को अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करना होता है। जैसे मान लो एक दौड़ने वाला है, वो अगर 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है, और आपने मूल्यांकन करना है कि आप क्या करो कि उसकी टाइम की जो घड़ी है उसको स्लो कर दो थोड़ा, ठीक है, या कह सकते हो कि उसको स्लो कर दो, तो उस जब एक्चुअल आपके टाइम पे 10 सेकंड हो रहा होगा तो उसके टाइम पे सिर्फ 9 ही सेकंड हो रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि उसकी जो मूल्यांकन है यानी मूल्यांकन की जो क्षमता है वो क्या हो सकती, कम हो सकती, या आप उसकी घड़ी को फास्ट कर दो, ठीक है। तो जब वो आपकी घड़ी में 8 सेकंड हो रहा होगा तो उसके में 10 सेकंड हो रहा होगा, उसे लगेगा कि यार मैं तो अपने पीछे रह जा रहा हूँ। तो वो क्या कर सकता है कि वो 8 सेकंड के ही, जैसे ही उसकी घड़ी में 10 सेकंड होगा वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी घड़ी में 8 सेकंड, इसका मतलब वो बच्चा 8 सेकंड में ही 100 मीटर दौड़ना सीख गया। सो ये चीज़ें होती हैं रचनात्मक मूल्यांकन की स्टेप, जरा मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो अब बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन जो है
उसमें किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन का, जो मैंने आपको बताया टोटल ओवरऑल के बेस पे किया जाता है। अगला दिया गया उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है किससे, तो उपचार किसका करोगे भैया, जब कोई गलती मिलेगी तब करोगे, ठीक है। तो गणित विषय के शिक्षण से ये ज़्यादा काफ़ी जरूरी नहीं है कि केवल गणित में ही उसको प्रॉब्लम हो, अंग्रेजी सीखने में प्रॉब्लम होती है जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। पठन शिक्षा क्षमता के विकास से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसने सीधे सीधे लिख दिया कि त्रुटियों को दूर करने से, इसका मतलब किसी भी शिक्षण में हो, चाहे अंग्रेजी में चाहे गणित में चाहे पढ़ने में, किसी में हो अगर उसमें त्रुटियां हो रही हैं तो उसको हम दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण इस्तेमाल करते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण। रॉस का कथन है, निम्नलिखित में से रॉस का कथन है, तो कौन सा हमारा रॉस का कथन है इसके बारे में देखना है हमें। तो रॉस ने कहा था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही हमें ध्यान से देखना है। देखो यहाँ तो आप कैसे छांटोगे जरा समझाओ, बचाव निदान का न्यूनतम स्तर है ये गलत है, ठीक है। जैसे अभी देखो कोरोना चल रहा है ना, तो उससे बचना ही उसके निदान का उच्चतम स्तर है, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं घर में बैठ के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीफन एम कोर ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो स्टीफन एम कोर ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शोध का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो भी मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो क्रियात्मक मतलब होता है एक्शन रिसर्च, ध्यान से समझना, ठीक है, एक्शन रिसर्च, और स्टीफन एम कोर्स को रिलेट कराना है एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो स्टीफन जो होते हैं, जैसे आप स्टीम का नाम सुने होंगे, स्टीम वाला एक इंजन होता है जो पानी में चलता है, ठीक है। और क्रियात्मक शोध का मतलब होता है कि तुरंत किसी समस्या का समाधान दे देना, वैज्ञानिक ढंग से किसी समस्या का तुरंत समाधान देना, इसे बोलते हैं क्रियात्मक रिसर्च या एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो स्टीम वाला इंजन जो होता है बड़ा तेज भागता है पानी में, मतलब जो धीरे धीरे चल रहा होगा, अगर मान लो छोटे वाले इंजन को 10 मीटर पहुंचने में 10 मिनट लगता है 1 किलोमीटर पहुंचने में, तो स्टीम वाले को मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में। सो इसलिए बोलते हैं एक्शन रिसर्च, तुरंत आपका एक्शन होना चाहिए और तुरंत रिसर्च हो जाना चाहिए, इसलिए स्टीम को आप कनेक्ट करा सकते हो। मैं इसी तरह से याद किया था, आई होप दैट कि आपको थोड़ा सा याद हो सकता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है किसे है, तो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार होता है, तो ये होता है हमें किसको होता है, अब देखो केवल शिक्षकों को, ये तो हो ही नहीं सकता है, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक को तो चलो मान सकते हैं, शिक्षकों प्रधानाध्यापक छात्रों को तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हो सकता है छात्रों को भी, बट क्या होता है कि इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया है MBSA। अच्छा ये देखो बड़ी अच्छी चीज, ABSA दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, असिस्टेंट, BSA का मतलब क्या होता है, जो आपके तहसील लेवल का एक अधिकारी होता है उसकी बात की गई है। तो भैया बिल्कुल होता है, शिक्षकों को भी, अध्यापकों को भी, छात्रों को भी, एंड इन सबको होता है। सो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है शिक्षक प्रबंधक, सॉरी प्रधानाध्यापक छात्र और सबको। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता क्या होता है क्रियात्मक शोध में, तो इसमें शोधकर्ता जो होता है न तो उत्पादक है और ना ही उपभोक्ता है, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया गया है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है, ये है हमारा बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ दैट कि जो क्रियात्मक शोध होता है, मैं आपको जरा समझा रहा हूँ एक्शन रिसर्च क्या होता है। लेट्स अज्यूम दैट आप साइकिल से जा रहे हो और आपके साइकिल का चैन उतर गया, अब ध्यान से देखो आपके साइकिल का चैन उतर गया, अच्छा देखो आप जा कौन रहा है साइकिल से, कौन जा रहा है, आप साइकिल का उपयोग कौन कर रहा है, आप, ठीक है। समस्या उत्पन्न हो गई, तो उस समस्या को उत्पन्न जब चैन उतरा बिकॉज ऑफ दैट किसकी वजह से, या तो चैन खराब था या आपकी साइकिल खराब थी, इसका मतलब वो जो उत्पाद था वो भी आप ही का था। इट मीन्स दैट कि वहां पे जब आप साइकिल को पहली बार आपकी साइकिल का चैन उतरा जिंदगी में, तो क्या आप इसके पहले आपने कभी चैन नहीं चढ़ाया था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत देखा था कहीं से कैसे चढ़ाया जाएगा, ठीक है। या जब उतर गया तो आप सपोज करो आप देखे भी ना हो, तब भी जब आप नीचे बैठ के देखोगे उस चैन को, तो आपको लगेगा कुछ चीज़ उसमें खाली है, जैसे वो जो फ्लाईव्हील होती है वो खाली दिखेगी आपको, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इस चैन को उठा के इसी फ्लाईव्हील पर चढ़ा देना होता है। दैट इज़ द एक्शन रिसर्च, मैंने इसलिए आपको बताया दैट इज़ द एक्शन रिसर्च, जो चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
अगली स्लाइड में अब देखो जो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आपको जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें 5 लाइन लिखना होगा। आपको लाइन कैसे लिखनी होगी, पैराग्राफ में नहीं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबरिंग डाल के आपको लिखना होगा। काफ़ी नंबर मिलता है इससे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा जैसा कि ये सारे क्वेश्चन हैं, उसमें हम सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे, बस इतना सा याद रखो। एंड देखो कभी भी, और जो बहुविकल्पी के क्वेश्चन आएंगे उनको लिखने का तरीका क्या है, तो उनको आप क्या करना, एक तरफ लिखना प्रश्न संख्या और दूसरी तरफ लिखना विकल्प संख्या। क्या लिखोगे, विकल्प संख्या। तो प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, विकल्प संख्या में 1, 2, 3, 4। इससे क्या होता है कि आपको, और ये लास्ट में करना है, ये 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल लास्ट में करोगे। आप जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन को करना शुरू करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, सपोज दैट आप बहुविकल्पी से शुरू कर रहे हो और लास्ट टाइम पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे क्या होगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं ऐसे ही किया हूँ, मैं पूरा का पूरा नंबर लेके आया हूँ। मैं कभी अपनी मार्कशीट अपलोड करूँगा, आप देख लेना, मैं पूरा का पूरा नंबर इस पे लेके आया हूँ, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, और दिया गया है नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो देखो नवाचार क्या होता है, किसी भी चीज़ में नए चीज़ों का आचार यानी आचरण प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। तो आप सीधे सीधे, चूंकि हमारा आपका सब्जेक्ट शिक्षा है, इसलिए हम शिक्षा से कनेक्ट करके लिखेंगे। तो आप लिखिएगा शिक्षा में नए आविष्कार करना या नए तरीके से पढ़ाना या नए तरीकों का आजमा करके बच्चे को अधिगम कराना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों को लिखिए। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, क्रियात्मक शोध के स्टेप क्या है। पहली चीज़, क्रियात्मक शोध कब करोगे, जरा समझना, वही उपकरण हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको जब प्रॉब्लम हुई चैन उतरने की, तो आप जैसे ही नीचे उतरे तो आपने क्या किया, पहला काम किया अवलोकन किया। क्या किया, अवलोकन किया। दूसरा काम क्या किया, समस्या की जड़ कहाँ है उसका पता लगाया, समस्या के स्तर को पता लगाया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को, उस कार्य को पकड़ने की कोशिश की कि ये कहाँ से संपन्न हो सकता है। तो ये सब के सब आपके उपकरण हैं जिसके थ्रू आप उस क्रियात्मक शोध को करते हो। अगर आप अवलोकन नहीं करोगे उतर के, तो आप क्रियात्मक शोध नहीं कर सकते हो। अगर आपको समस्या का स्तर नहीं पता होगा कि चैन कहाँ से उतरा है, आगे वाले फ्लाईव्हील से या पीछे वाले फ्लाईव्हील से, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। कभी कभी चैन क्या होता है, फंस जाता है बीच में जाके, तो आपको उस समस्या का स्तर पता चलता है कि चलो ठीक है चैन फंस गया, निकलेगा कैसे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो रोड पर परेशान हो जाते हैं। तो ये स्तर होता है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। देखो क्रियात्मक शोध को आप लिखना, किसी भी समस्या का वैज्ञानिक रूप से, अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो आप अभी बना सकते हो, किसी भी समस्या का वैज्ञानिक रूप से तत्काल समाधान पाना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है। तत्काल समाधान पाना, जरूरी नहीं है कि वो समाधान उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्शन एंड रिसर्च। जरूरी नहीं होता है कि वो समस्या का समाधान जो आप तत्काल पाए हो वो उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दे। इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। और इससे विद्यालय में बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई बच्चा के किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको आप सही करने के लिए थोड़ा सा तुरंत एक्शन रिसर्च कर सकते हो, फिर उसकी प्रॉब्लम हम आगे थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है, ध्यान से सुनना, अच्छे प्रश्नों की विशेषता। अच्छे प्रश्न जो होते हैं उनमें जो शब्द होते हैं वो बच्चों को समझने के अनुरूप लिखे गए होते हैं। दूसरी चीज़, अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। आपके पेपर से में जो क्वेश्चन आते हैं, आप देखो पहले वस्तुनिष्ठ पूछता है, फिर अति लघुत्तरी पूछता है, फिर क्या पूछता है, लघुत्तरी पूछता है। तीसरा जो होता है, अच्छे प्रश्न जो होते हैं उसमें बालक की रचनात्मक क्षमता का आकलन किया जाता है, कितना वो किसी चीज़ को सोच सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चे के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन हम अच्छे प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। तो मैंने तो 5 विशेषताएं बता दी, अगर ये 2 नंबर में भी आ जाए तब भी आप लिख लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न इसलिए किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें बच्चे जो होते हैं उनके प्रेजेंट ऑफ माइंड, या कह सकते हो कि अभिव्यक्त की क्षमता का विकास के लिए,
कर सकते हो अभिव्यक्ति क्षमता का विकास के लिए या भावनात्मक पक्षों का विकास के लिए, वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चा उस क्वेश्चन के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में कितना सोचता है, कितना जानता है, इससे हम उस इसलिए हम कक्षा में प्रश्न करते हैं। परिकल्पना से आप क्या समझते हो, किसी भी चीज़ के बारे में चारों तरफ की जो कल्पना हम निर्धारित करते हैं वो हमारी होती है परिकल्पना। मतलब आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाए और उसी के बारे में आपको सोचना हो या उसी के बारे में कुछ कल्पना या कुछ नई चीज़ें डालनी हो तो उसे हम बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना आपके नवाचार से संबंधित होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के तीन प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार कई तरह के मूल्यांकन होते हैं। जैसे देखो हमने आपको बताया व्यापक सतत एवं सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, फिर ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो कि लिखित या साक्षात्कार अवलोकन करके मूल्यांकन करना, प्रायोगिक मूल्यांकन करना, ठीक है, ये सब मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया गया है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो देखो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसमें लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे आवश्यकता नंबर एक और आवश्यकता नंबर दो, बस इतना सा लिखना है, दो नंबर, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता आप लिख दीजिएगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है, बच्चे के प्रत्येक पक्ष का उपचारात्मक शिक्षण, या कह सकते हो कि बच्चे के प्रत्येक समस्या का उपचारात्मक निदान ढूंढने के लिए भी व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तो हम देख रहे हैं मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए, जिसमें हमने आपको बताया था मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो अभी हमने शुरू में बताया था, जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को बैक करें, देखें पूरा का पूरा। फिर दिया गया है भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष, ये सब आपके मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, जिसमें मैंने भावात्मक पक्ष के भी बारे में बताया था कि किसी भी बच्चे का जो भावात्मक पक्ष होता है, इन द सेंस कि आप कोहलवर की थियरी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे तो कनेक्ट करा सकते हो। कौशलात्मक पक्ष होता है जिसमें उसके कौशल यानी स्किल्स, जो आपका PMKVY वाला एक स्किल वाला निकला था, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर क्या स्किल है उसका पता लगाना, ठीक है। फिर दिया गया है प्रश्नों के मुख्य प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के मुख्य प्रकार जो आपके क्वेश्चन पेपर में खुद दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इतना आप लिख सकते हो। बस प्रकार लिखना, आप उसके ज़्यादा बारे में ज़्यादा मत लिखना। परीक्षण की वैधता से आपका क्या अभिप्राय है, किसी भी परीक्षण की जो वैधता होती है वो उसका अभिप्राय का मतलब ये होता है कि उस परीक्षण को बेहिचक नॉर्मल रूप से हम उस संबंधित समस्या में प्रयोग कर सकते हैं, उस संबंधित समस्या में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखो, आप सुने होंगे कि ये जो यूरिया बनी थी वो यूरिया नहीं बना रहा था, वो कुछ और भी बना रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब यूरिया बन गई तो दो एक पौधों में डाल के देखा गया। जैसे वैक्सीन जब बन जाती है तो किसी में डाल के रिसर्च किया जाता है, जब वो परीक्षण अच्छा हो जाए तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो वही तो पूछा है कि परीक्षण की बाध्यता से क्या अभिप्राय है, जब वो परीक्षण सही हो गया तो इसका मतलब उसका उपयोग हम सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लो होता क्या है कि किसी बच्चे को बुखार हो गया, ठीक है, अब बुखार भी कई तरह के होते हैं, मान लो बहुत अभी स्कूल में पढ़ ही रहा है, उसको बुखार फील हुआ, तो हम फर्स्ट एड जो देते हैं या कह सकते हो क्रियात्मक शोध की उस समस्या का जो समाधान होता है उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, एक्शन। जिस तरह से जिस समय काम हो रहा है उसी समय रिसर्च कर देना ही एक्शन रिसर्च कहलाता है, सीधी भाषा में आप समझो, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि समस्या के तात्कालिक निदान के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है, सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, तो मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय है कि बच्चे के सभी गुणों को का अंकन करना। जैसे देखो मापन का मतलब होता है ना गुणों और विशेषताओं को पता लगाना, ठीक है, मूल्यांकन मतलब होता है उसके गुणों और विशेषताओं के साथ साथ उसके हर प्रत्येक पक्ष के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला मापन ही क्या कहलाता है, शैक्षिक मानकन कहलाता है। जैसे बच्चे के गुण, बच्चे की विशेषता, बच्चे के पक्षों के बारे में अध्ययन करना ही शैक्षिक मापन है। परीक्षण का अर्थ बताइए, तो परीक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में टेस्ट करना, उसे परीक्षण कहते हैं। जैसे परीक्षण को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, परीक्षण को अपनी भाषा में लिख सकते हो आप कि परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा कह सकते हो कि विश्वसनीय या वैध रूप से आवश्यक सामग्री होती है या आवश्यक प्रक्रिया होती है, जिसे हम पूर्व सुनिश्चित
जिसमें हम उसके प्रयोग के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड दिया गया है मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन में आपस में संबंध बताइए और व्याख्या कीजिए। देखो मैं अब ये चीज़ें मैं बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तीन शब्द दिए गए हैं, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन। तो पहली चीज़ आप मापन समझो। मापन मतलब होता है व्यक्ति के गुण और विशेषताओं का पता लगाना, सिर्फ गुण और विशेषता के स्तर का पता लगाना। मूल्य निर्धारण क्या होता है? तो मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण तभी आप कर सकते हो जब उसकी गुण और विशेषता पता हो, तो आपको पता चल जाएगा इस इंसान की वैल्यू कहाँ तक है। जैसे हमारे घरों में भी नॉर्मली यही होता है, अगर आप देखो तो जिसकी वैल्यू जितनी होती है उसके मूल्य का निर्धारण, उसके अंदर जितने गुण होते हैं उसी तरह से उसकी विशेषता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब जैसे गाँव में आप देखे होंगे कुछ लोगों के अंदर, जो बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ गुण होता है, जिनके अंदर नहीं होता उनका मूल्य निर्धारण नहीं होता, मतलब उनको वो स्तर नहीं दिया जाता है समाज के बीच में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मूल्य निर्धारण। ये किसके बेस पे होगा? मापन के बेस पे होगा। एंड मूल्यांकन के अंतर्गत ये दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्य निर्धारण और मापन दोनों आता है, और इन्हीं दोनों के बेस पे हम मूल्यांकन को बता सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? जो मैंने बताया अभी आपको बताया, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष, ये हैं। एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने से क्या लाभ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो लाभ, तीन लाभ लिख देना और 2-9 इसके बारे में लिख देना, हो जाएगा आपका। तीन लाभ क्या क्या हैं? तो शिक्षक को अगर पक्षों का ज्ञान होगा तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता करेगा। शिक्षक को पक्षों का ज्ञान होगा तो वो खुद के मूल्यांकन को भी कर सकता है। शिक्षक को पक्षों का ज्ञान होगा तो विद्यालय संबंधित आने वाली समस्याओं के बारे में भी मूल्यांकन, मापन या उपचारात्मक शिक्षण, या कह सकते हो क्रियात्मक शोध या नवाचार को डेवलप कर सकता है, ठीक है। आगे दिया गया निम्न, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ में बता दूँ, निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है? इसमें जिसका परीक्षण कर रहे हो उसके उसको अपने शब्दों में या अपनी भाषा में अपने बारे में लिखने की छूट होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कोई छूट नहीं होती। आपके पास मैंने बताया शुरू शुरू में ही, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑप्शन, यू हैव ओनली 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज एमंग ऑफ दीज। आपको उसी में से ही चूज करना होगा और उसी में से ही परीक्षण करना होगा। बट निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, आपको कोई चीज़ें, जैसे आपको किसी कोई चीज़ दे दी गई, जैसे निबंध का मतलब क्या होता था कि आप अपने शब्दों के बारे में लिखो, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हम आपको ऑप्शन देंगे और आपको उसमें से चूज करना होगा। तो बस यही फर्क होता है, आप उसको लिख दीजिएगा। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है, हम पीछे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम उसको नहीं बताएंगे, हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान से समझना। प्रश्न पूछते समय सावधानी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने एक प्रश्न पूछा पूरी क्लास में, तो प्रश्न पूछते समय आपकी जो आवाज़, वो आपके जो शब्द हों वो समझने योग्य हों बच्चों के, और पूरी क्लास में स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, जब तक कोई बच्चा प्रश्न का जवाब पूरा ना दे दे तब तक उसको टोकना नहीं चाहिए। तीसरी, उसके बाद उसी में आप ये भी ले सकते हो कि प्रश्न को दोहराना तो चाहिए लेकिन उसके शब्दों को नहीं बदलना चाहिए। जैसे बचपन में क्या होता ना, सर जी हमसे एक क्वेश्चन पूछते थे, अगली बार जब हम पूछते क्या सर जी, तो क्या करते थे, बदल देते तुरंत। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको उसी तरह से बोलना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है कि जब आप प्रश्न पूछ लेते हो थोड़ी देर रुको, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो बच्चा बताना, थोड़ी देर रुको और वो बच्चे को जवाब देने दो, जब वो जवाब दे दे तब आप अगला प्रश्न पूछो। तो ये थी प्रश्न पूछने की सावधानियाँ। क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए, क्रियात्मक शोध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे स्कूल में क्रियात्मक शोध का अप्लीकेशन ना किया जाए तो उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज दैट आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी लेक्चर को पढ़ा रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपको उससे रिलेटेड कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ दिया, अब आपको उसको नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो, आप उसको लपेटे जा रहे हो, मतलब कुछ भी बताया जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको बोलो कि बेटा ये टॉपिक मैं अभी नहीं जानता हूँ, मैं अभी एक घंटे में दे के बताता हूँ। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आपको उसको, आपने उसको टाइम दे दिया और आप एक घंटे के अंदर उसके शोध को या क्रियात्मक एक्शन को करके उसके सामने परिणाम रखोगे, ठीक है। आगे दिया गया है क्या,
क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण को लिखिए, तो क्रियात्मक शोध के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में हम कह सकते हो कि जो क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे हमने आपको शुरू शुरू में बताया, क्रियात्मक शोध का मतलब होता है अवलोकन करना होता है, समस्या का स्तर पता लगाना होता है, समस्या किस हद तक है, कहाँ से शुरू है उसका पता लगाना होता है, समस्या का निदान ढूंढना होता है, समस्या का उपचार ढूंढना होता है, और फिर उस समस्या को समस्या के शोध को पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो इतने उसके चरण हैं जिसको आपको लिखना होगा। उसके बाद यह क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या कीजिए। अभी हमने बताया कि यही जो चरण हैं यही आपके उपकरण हैं, जैसे आपका हो जाएगा अवलोकन करना, एक आपका उपकरण हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक उपकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया नवाचार में, नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व बताइए। नवाचार का शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2, 4, 6 जैसे ही सम संख्याओं से निकाला गया था। एग्जांपल याद रखने का बहुत ही ज़रूरी होती है। बच्चे नवाचार से क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी सीखते हैं और एक्टिव रहते हैं वो किसी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो नवाचार के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे आपके कह सकते हो कि सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, या व्यवहारात्मक क्षेत्र हो सकता है, या कह सकते हो कौशलात्मक क्षेत्र हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं नवाचार जिसमें हम नई कौशल वाले क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें हैं। आपके पास क्या क्या स्किल है, जैसे कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, ये सब क्या है, स्किल हैं, और उसके अंदर वो नवाचार करते हैं। जैसे देखो जो लोग बैट खेलते हैं वो नए नए तरीके से शॉट निकालते हैं, कहां से हम कैसे मार सकते हैं चीजों को, उसमें इनोवेशन बोलते हैं। तो ये सब उसके इनोवेशन के क्षेत्र हैं। अवलोकन से आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण पूछा है ना, इसमें सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो ड्यूटी लगती है वो अवलोकन की ही लगती है, याद आया? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो ड्यूटी लगती है अवलोकन की ही लगती है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो उदाहरण नंबर पहला कि जब हम लोगों की अवलोकन की ड्यूटी लगती थी या फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग ड्यूटी करने गए थे, तो हम बस इतना देख रहे थे उस समय कौन जो टीचर पढ़ा रहा है सामने वो किस तरह से डस्टर और चाक को उठा रहा है, क्या कब इस्तेमाल कर रहा है, कब TLM इस्तेमाल कर रहा है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही अवलोकन कहलाता है। अब वो अलग की बात है कि जब आप स्कूल में गए थे तो आपके आपसे अवलोकन नहीं कराया जा रहा था, आपको आपसे पढ़वाया जा रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो तीनों चारों क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं पूरा ब्रीफ करने वाला हूं। बट अभी जो मैं करा हूं, अब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक उस क्वेश्चन में आएगा तो मैं उसको नहीं करूंगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी करूंगा उस पेपर को। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।